मेजर इम्पैक्ट पड़ा है इसके रिलेटेड। सब बहुत तबके हैं, मतलब हमारे साथ काम करते हैं, हमारे सेल्समैन हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे आप ले लो डेंट पेंट का काम करने वाले गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ियाँ डेंट पेंट का काम करते हैं, सब ओवरऑल इफेक्ट हो गया, क्योंकि गाड़ियों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। गाड़ियाँ ऐसे दिल्ली नंबर, मतलब बाहर की नंबर की जो गाड़ियाँ, ऐसा माहौल बन गया है कि एकदम वो चोरी की गाड़ी बन गई है। कोई इसको वो दिल्ली नंबर देख के ऐसे घबरा जाता है जैसे एकदम चोरी से हमने लाई है और यहाँ पे रख दी है, ऐसा माहौल बन गया है। जैसे रोड पे नहीं निकल रहे हैं गाड़ियाँ, इनको सीज किया जाता है। अभी इनको पता चला है कि किसी को अपने नाम पे गाड़ी है, वो आज से यही समझ रहा था कि मुझे शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, क्योंकि उनकी उनका जो ऑलरेडी फ्लैट लेके रखे हैं उन्होंने दिल्ली में किसी के पास है या श्रीनगर में रहते हैं, तो उन्होंने वहाँ से गाड़ियाँ ली है अपने एड्रेस पर, लोकल एड्रेस पर, अब यहाँ वो प्ले कर रहे हैं। वो 6 महीने के बाद अगर ये यहाँ चला रहे तो RTO साहब कह रहे हैं कि ठीक है इनको आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन इसके लिए कुछ टाइम दीजिए इनको, ताकि ये समझ सके कि इनको पहले करना क्या है। इनको वहाँ से दिल्ली से NOC लानी पड़ रही है, जिसमें ऑलरेडी 15-20 दिन लग जाएंगे इनको। तो एक आम आदमी को ये भी पता नहीं है कि कैसे मुझे वो हासिल करनी है। ऑन एन एवरेज मतलब महीने की एक डीलर, मतलब छोटा से छोटा डीलर हो या कोई, 15-20 गाड़ियां तो महीने की बिकी जाती है। तो उसमें ये हो जाता है, मतलब एक डीलर मेरे पास 15-20 गाड़ियां है, कितने सारे डीलर्स है, ये सब स्टॉक आप देखो पाइल अप हो गया, मतलब 20 ही डीलर 30 ही डीलर है, 20 गाड़ी का एवरेज लेंगे 600 गाड़ी स्टॉक अप हो जाएगी, पाइल अप हो जाएगी, वो कहाँ से चलेगा। तो अब जो सारा स्टॉक पाइल अप हो गया है, क्या इससे मार्केट क्रश हो रहा है? मार्केट बिल्कुल क्रश हो रहा है, मतलब रेट ही नहीं आ रही है गाड़ी को, मतलब 2 लाख रुपए की गाड़ी हो उसको 1.5 लाख रुपए की कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये है पाइल अप इतना हो गया मार्केट में, इतना स्टॉक है कि कोई ले भी नहीं। ये तो हम अपनी गाड़ी रोड पर नहीं ले रहे, मेरे पास खुद की अपनी गाड़ी है, मैं बस से आ रहा हूँ ऑफिस, मैं गाड़ी ही नहीं निकाल पा रहा हूँ इस डर से कि मेरी गाड़ी सीज हो जाएगी। अब ये इशू है कि मेरे अपने नाम पे गाड़ी है, मेरे अपने नाम पे गाड़ी है, मैं दिल्ली के एड्रेस पे है। तो आप बोलते हैं यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे 6 महीने रहता हूँ, वहाँ पे 4-5 महीने रहता हूँ, ऑलमोस्ट मेरा सफ़र ऐसे ही करता है। तो मेरा ये है कि अब इसमें भी कोई इशू नहीं है कि क्या वो अब फीस क्या करेंगे क्या लेंगे, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है वो फिर रिवोक नहीं होता है, वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। लेकिन कोई अब ऐसा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए जिससे हमें भी कोई ऐसी तकलीफ़ ना पहुँचे कि हमारा नुकसान हो जाए, किसी और को भी नुकसान हो जाए। तो इसीलिए मेरा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत टाइम पीरियड और दे। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.